नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिफ्लॉक्स डी ड्रॉप की। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिफ्लॉक्स डी आई एंड ईयर ड्रॉप की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। फ्रेंड्स, इस ड्रॉप का क्या काम है और इसे कैसे यूज करना है, इसके मार्केट प्राइस, इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको सिफ्लॉक्स डी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो फ्रेंड्स, ये सिफ्लॉक्स डी लेबोरेटरी कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके मार्केट प्राइस की बात करें तो ये 43 रुपये तक किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, 10 ml में आता है और इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड डेक्सामेथासोन मिलाया गया है। ये एक एंटीबायोटिक दवा है। तो फ्रेंड्स, अब इसके यूजेस की बात करें तो सिफ्लॉक्स डी ये आँख और कान के लिए बहुत फ़ायदेमंद दवा है। किसी की आँख लाल हो जाती है, आँख से पानी बहता है या आँख में खुजली हो रही है, तो फ्रेंड्स उसमें बहुत ही असरदार दवा है। और फ्रेंड्स, कानों की बात करें तो किसी कानों में फुंसी हो गया है या कान दर्द कर रहा है या कान बह रहा है या इन्फेक्शन हो गया है, तो इन सभी में सिफ्लॉक्स डी बहुत फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेस्ट ड्रॉप है। ये आँख और कान के लिए बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक ड्रॉप है। बात करें इस ड्रॉप को कैसे यूज करें, तो फ्रेंड्स, ये एडल्ट व्यक्ति में 2 से 3 बूंद दिन में 2 बार डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इस ड्रॉप को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर ही यूज करें। बिना डॉक्टर के सलाह से कोई भी मेडिसिन का सेवन ना करें। इस ड्रॉप को बच्चों से दूर रखें, डॉक्टर के परामर्श से ही बच्चे में यूज करेंगे। इस सिप्लॉक्स डी ड्रॉप को खोलने के अधिकतम 20 से 25 दिन तक ही यूज करें, उसके बाद यूज ना करें। तो फ्रेंड्स, इसके मेडिसिन को लेने से पहले इसके एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। बिना एक्सपायरी डेट चेक के कोई मेडिसिन का यूज ना करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नए वीडियो में।